नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारा लाइन टेस्टर है, लाइन टेस्टर के द्वारा हम डीसी पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको केवल आंसर ये देना होता है कि जो हमारा लाइन टेस्टर होता है उसके द्वारा हम डीसी पावर सप्लाई को चेक नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आप केवल इतना सा आंसर दे देते हो तो आपका जो आंसर है वो सही है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको परफेक्ट आंसर देने के लिए इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तीन रीजन बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा लाइन टेस्टर होता है वो डीसी पावर सप्लाई पे क्यों ग्लो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला रीजन है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो घर में डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है वो एक बैटरी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारा बैटरी होता है वो 12 वोल्ट का होता है। ठीक है दोस्तों, अब कभी कभी क्या करते हैं हम कि दो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और दोनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके हम 24 वोल्ट का सिस्टम बना लेते हैं, यानी कि 24 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई हमारे घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टेस्टर होता है, यदि आप यहाँ पे कहीं भी कनेक्ट करते हो, यानी कि किसी भी टर्मिनल पे कनेक्ट करके चेक करते हो, तो वहाँ पे जो हमारा टेस्टर है वो ग्लो नहीं होगा। क्यों ग्लो नहीं होगा, एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो टेस्टर होता है, टेस्टर के अंदर में एक नियोन लैंप लगा होता है। अब ये जो हमारा नियोन लैंप है, इसका मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 150 वोल्ट होता है, यानी कि इस नियोन लैंप को ग्लो कराने के लिए आपको कम से कम 150 वोल्ट देना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हमारा बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज केवल 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा नियोन लैंप है वो ग्लो नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला रीजन ये हो जाता है कि जो हमारा डीसी पावर सप्लाई होता है उसका वोल्टेज बहुत कम होता है, जिस कारण से जो हमारा टेस्टर होता है वो ग्लो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि यदि हमारे जो डीसी पावर सप्लाई का वोल्टेज है वो ज़्यादा, यानी कि मोर देन 150 वोल्ट है, तो क्या उस कंडीशन में हम टेस्टर का इस्तेमाल करके उसको चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप आपके घर के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, या फिर आप एक रिटेलर हो या फिर डीलर हो और आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हो, तो दोस्तों एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को बाई कर सकते हो। दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है लॉक द डील। लॉक द डील एप्लीकेशन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेज़न है। दोस्तों, लॉक द डील एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको हर एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मिल जाता है, जैसे कि इन्वर्टर, बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होते हैं, सभी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एक्साइड, लुमिनस, लिपगार्ड, लिफास, एमएच और भी बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं, उन सभी ब्रांड का प्रोडक्ट आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, लॉक द डील एप्लीकेशन पे आप बल्क ऑर्डर भी कर सकते हो, यानी कि एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। और यदि आप बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ बाय करते हो, यानी कि बल्क ऑर्डर करते हो, तो वहां पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो या फिर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये था कि यदि हमारा डीसी वोल्टेज मोर देन 150 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में क्या हम टेस्टर के द्वारा उसको चेक कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे भी आंसर नहीं होगा। यदि डीसी वोल्टेज का पावर सप्लाई ज्यादा भी है, तो उस कंडीशन में भी हम टेस्टर के द्वारा डीसी वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझ? देखिए दोस्तों, हमारा जो टेस्टर होता है, टेस्टर को ग्लो कराने के लिए हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। फेस सप्लाई हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हमारा जो बॉडी होता है वो काम आता है, यानी कि हमारा जो टेस्टर होता है उसके ऊपर में जो कैप होती है उसको हम टच करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो न्यूट्रल सप्लाई है वो हमारे बॉडी के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बॉडी है वो किस प्रकार से न्यूट्रल पावर सप्लाई को कम्प्लीट करता है, एक बार समझ लीजिए। हमारे घरों में जो भी पावर सप्लाई आता है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा आता है। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल टर्मिनल होता है वो ग्राउंड किया जाता है। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल टर्मिनल ग्राउंड करने के बाद में क्या होता है कि जब हम टेस्टर का उपयोग करके फेस सप्लाई को चेक करते हैं, तो जो हमारा सर्किट है वो यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे बॉडी के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा करंट है वो हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, जिस कारण से जो सर्किट है वो कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो करने लगता है। लेकिन बैटरी के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रल टर्मिनल होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको हम ग्राउंड नहीं करते हैं, जिस कारण से जो हमारा नियोन लैंप है वो ग्लो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे आप ये सोचोगे कि यहाँ पे जो हमारा बैटरी है,
या फिर जो भी हमारा डीसी पावर सप्लाई है उसको हम ग्राउंड क्यों नहीं करते। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे यदि आप बैटरी के पावर सप्लाई या फिर डीसी पावर सप्लाई को ग्राउंड कर देते हो तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, और यदि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहाँ पे करंट ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगेगा। कहने का क्या मतलब है, एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमारे पास में एक 12 वोल्ट का बैटरी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर के द्वारा वोल्टेज को चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, एक प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया हूँ और दूसरे प्रोब को अर्थ के साथ में कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें केवल 6 वोल्ट मिलता है। यहाँ पे हमारे पास में बैटरी जो था वो 12 वोल्ट का है, लेकिन यहाँ पे अर्थ के साथ में वोल्टेज को चेक करने पे हमें केवल 6 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोब है इसको नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करने पे हमें केवल यहाँ पे -6 वोल्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डीसी पावर सप्लाई होता है उसका आधा वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है और आधा वोल्टेज नेगेटिव वाले टर्मिनल पे होता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि आप यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है और जो यहाँ पे बैटरी है इसका पोटेंशियल यहाँ पे अभी 6 वोल्ट है। यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस होने से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा और जो हमारा बैटरी है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सेकेंड रीजन है, सेकेंड रीजन ये हो गया कि जो भी हमारा डीसी पावर सप्लाई होता है उसको हम ग्राउंड नहीं करते, जिस कारण से क्या होता है, जो हमारा टेस्टर है उसको न्यूट्रल पावर सप्लाई नहीं मिल पाता, इसीलिए हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में जो डीसी वोल्टेज है वो मोर देन 220 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारे बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके हमने 220 वोल्टेज बना लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 220 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है। अब यहाँ पे जो हमारा डीसी पावर सप्लाई है उसके एक टर्मिनल को यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिए, तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारा जो टेस्टर है क्या ये टेस्टर ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि हमारा जो टेस्टर है इस कंडीशन में ग्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आपका जो डीसी वोल्टेज है उसका वोल्टेज मोर देन 150 वोल्ट है और हमने यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को ग्राउंड भी कर दिए हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये हो जाएगा कि यदि डीसी वोल्टेज का वोल्टेज 150 से ज़्यादा है और यदि हमने डीसी वोल्टेज के एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दिए हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।